राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हो रहा भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का विरोध। भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय को टिकट देने की कर रहे हैं मांग। ऐसे में बाहरी होने के कारण विजय बैसला को टिकट मिलते करना पड़ रहा है विरोध का सामना। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि क्या मैं नहीं हूँ राजस्थान का, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं घर परिवार के लोग, ये है हमारा पारिवारिक मामला, हम मिल बैठ कर सुलझा लेंगे। राजस्थान में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। अगर ऐसा होता तो माना जा रहा है कि विजय बैसला होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, क्योंकि बीजेपी की दो तिहाई बहुमत के लिए चाहिए पूर्वी राजस्थान में कमल खिलना। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्रेडिट जाएगा पूरे तरीके से विजय बैसला को। हालांकि इससे पहले बैसला को अपने खिलाफ हो रहे विरोध को रोकना होगा। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हो रहा भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का विरोध। भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय को टिकट देने की कर रहे हैं मांग। ऐसे में बाहरी होने के कारण विजय बैसला को टिकट मिलते करना पड़ रहा है विरोध का सामना। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि क्या मैं नहीं हूँ राजस्थान का, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं घर परिवार के लोग, ये है हमारा पारिवारिक मामला, हम मिल बैठ कर सुलझा लेंगे। राजस्थान में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। अगर ऐसा होता तो माना जा रहा है कि विजय बैसला होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, क्योंकि बीजेपी की दो तिहाई बहुमत के लिए चाहिए पूर्वी राजस्थान में कमल खिलना। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्रेडिट जाएगा पूरे तरीके से विजय बैसला को। हालांकि इससे पहले बैसला को अपने खिलाफ हो रहे विरोध को रोकना होगा। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हो रहा भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का विरोध। भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय को टिकट देने की कर रहे हैं मांग। ऐसे में बाहरी होने के कारण विजय बैसला को टिकट मिलते करना पड़ रहा है विरोध का सामना। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि क्या मैं नहीं हूँ राजस्थान का, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं घर परिवार के लोग, ये है हमारा पारिवारिक मामला, हम मिल बैठ कर सुलझा लेंगे। राजस्थान में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। अगर ऐसा होता तो माना जा रहा है कि विजय बैसला होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, क्योंकि बीजेपी की दो तिहाई बहुमत के लिए चाहिए पूर्वी राजस्थान में कमल खिलना। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्रेडिट जाएगा पूरे तरीके से विजय बैसला को। हालांकि इससे पहले बैसला को अपने खिलाफ हो रहे विरोध को रोकना होगा। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हो रहा भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का विरोध। भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय को टिकट देने की कर रहे हैं मांग। ऐसे में बाहरी होने के कारण विजय बैसला को टिकट मिलते करना पड़ रहा है विरोध का सामना। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रत्याशी विजय बैसला का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि क्या मैं नहीं हूँ राजस्थान का, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं घर परिवार के लोग, ये है हमारा पारिवारिक मामला, हम मिल बैठ कर सुलझा लेंगे। राजस्थान में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। अगर ऐसा होता तो माना जा रहा है कि विजय बैसला होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, क्योंकि बीजेपी की दो तिहाई बहुमत के लिए चाहिए पूर्वी राजस्थान में कमल खिलना। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्रेडिट जाएगा पूरे तरीके से विजय बैसला को। हालांकि इससे पहले बैसला को अपने खिलाफ हो रहे विरोध को रोकना होगा।